भारत की बंगाली फिल्म स्टार पायल मुखर्जी पर कलकत्ता ज्यादती केस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मोटरसाइकिल सवार शख्स ने हमला कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजे मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर के साथ पेश आने वाले दर्दनाक वाकये के बाद पूरे भारत में शदीद गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस हवाले से भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। इसी एहतजाज में शिरकत करने वाली भारतीय अदाकारा पायल मुखर्जी पर एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने हमला कर दिया। अदाकारा के मुताबिक हमलावर ने इनकी गाड़ी के पास आकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी और इन्हें गाड़ी से बाहर आने को कहा। पायल मुखर्जी ने कहा कि जब मैंने बाहर आने से इनकार किया तो हमलावर ने मेरी दाईं तरफ के खिड़की को शीशा तोड़ दिया, जिससे हाथ जख्मी हुआ। अदाकारा ने वीडियो पैगाम में भारत में खवातीन के तहफ्फुज़ पर सवाल उठाते हुए कहा कि खातून डॉक्टर के दिलखराश वाकये के बाद भी कलकत्ता में खवातीन के लिए तहफ्फुज़ नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि मुझे नहीं मालूम कि अब कहां खड़े हैं। अगर शाम के वक्त एक पुरहजूम गली में किसी औरत पर हमला हो सकता है तो आप खुद ही सोचें कि वीरान जगह पर खवातीन के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। एक और वीडियो में अदाकारा ने हादसे में मुलव्वस मोटरसाइकिल और अपनी नुकसान शुदा गाड़ी भी दिखाई। दूसरी जानिब इस हवाले से कलकत्ता पुलिस का कहना है कि यह हमला नहीं बल्कि एक ट्रैफिक हादसा था और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।